गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका सबका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, कल हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी को हम बिल्कुल भी बाय नहीं करने वाले हैं जब तक निफ्टी 11,772 से ऊपर नहीं चलती। जिन लोगों ने उसको नहीं सुना, जिन्होंने पूरे वीडियो को नहीं देखा, ट्रॉलिंग करने के लिए आ गए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को सुन लीजिए, ध्यान से देखिए। मैंने कहा था 11,772 एक सप्लाई जोन है, अच्छा खासा सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, हमने पॉइंट्स को मार्क भी किया था, और अगर इससे ऊपर चलता है बाजार तो हम बाइंग करेंगे, वरना हम बाइंग नहीं करेंगे। दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए, जिंदगी में एक प्रोफेशनल ट्रेडर या एक सक्सेसफुल ट्रेडर सिर्फ वही होता है जो ट्रेंड के साथ चलता है। जो अगर गांठ बांध के बैठ जाएगा, नहीं मैं तो तेजड़िया हूं, मैं तो तेजी करने वाला हूं, मैं मंदी क्यों खेलूं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और जो मंदी करने वाला है, सोचे मैं तो कभी तेजी करता ही नहीं, मैं तो खाली मंदी करता हूं, तो वो भी सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं हो सकता। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की परिभाषा डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अ ट्रेडर हु वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट हैज टू फॉलो द ट्रेंड। जो ट्रेंड को फॉलो करेगा वो पैसे बनाएगा, जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा वो पैसे नहीं बना सकता। अगर आपके स्टॉप लॉसेस कटते हैं ट्रेंड को फॉलो करने में, कटने दीजिए, ठीक है, चलता है उतना। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। ये दोस्तों 15 मिनट का चार्ट हमने लगा के रखा है। कल की हमारी जो क्लोजिंग थी वो थी 11,666 के आसपास में, और हम बहुत क्लियरली कह रहे थे कि 772 को टच करके बाजार वापस आ रहा, नहीं क्रॉस कर रहा। जब वो क्रॉस करेगा हम बाय करके बैठेंगे। आज बाजार की ओपनिंग कहाँ हुई दोस्तों? आज बाजार की अगर ओपनिंग को देखेंगे तो 734 के आसपास की ओपनिंग हुई। हाई लगाया 779.25 रुपये, 789.25 आप ऊपर देख सकते हैं, ये पहले 15 मिनट का चार्ट है। और लो लगाया 11,729, मतलब 734 की ओपनिंग होने के बाद में 729 के आसपास का लो लगा के 779 का हाई लगा के क्लोजिंग हुई 771.30, मतलब 772 रुपये के आसपास। तो हम अपना स्टॉप लॉस बाइंग का ऑर्डर डाल सकते थे 11,772 में। यहाँ पे ये आपका ट्रिगर होता है, स्टॉप लॉसेस हमारे बिल्कुल इंटैक्ट थे, हमें यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है क्योंकि जब बाजार गैप से खुलता है तो हमारे स्टॉप लॉसेस भी बड़े हो जाते हैं। ट्रेडर क्या करते हैं? ट्रेडर ये करते हैं, जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम करते हैं या पहली 15 मिनट के ब्रेकआउट पे काम करते हैं, वो पहली 15 मिनट के लो को स्टॉप लॉस बना लेते हैं। 730 का स्टॉप लॉस बना के 772 से ऊपर आप बाय करके बैठ जाते हैं। आपको क्लियरली 838-840 के आसपास का बाजार मिला। जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, जिनको कैंडलस्टिक समझ में आती है, कैंडल्स को देखना आता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ प्राइस सेक्शन बहुत क्लियरली कह रहा है कि बॉस यहाँ पे एक प्राइस की रिजेक्शन है, अच्छी खासी रिजेक्शन है, और फिर बाजार गिरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने काम किया होगा 772 से लेके 772 से लेके 830-840 के आसपास के अच्छे खासे पॉइंट्स उसने खाए होंगे। दोस्तों, अब क्या किया जाए? आज की क्लोजिंग क्या है? 11,807 की क्लोजिंग है। अब यहां से प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है आप समझ लीजिए। यहां जिसको भी बाइंग करना है, जिसको भी लॉन्ग में बैठना है, बाजार एक बहुत ही छोटी रेंज में काम किया है दोस्तों, बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड किया आज। यहां पे जो भी चाहता है बाजार में बाइंग करके जो बैठना चाहता है, उसको 772 के स्टॉप लॉस को डेडली फॉलो करना ही होगा। उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई चारा नहीं है। अगर आप 772 के आसपास के स्टॉप लॉस को नहीं मेंटेन करते हैं तो आप एक बहुत ही खराब स्थिति में फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो भी मूव है एक स्पेकुलेटिव मूव है। यहाँ पे जो फर्दर बाय करेगा 772 का स्टॉप लॉस अभी भी रहेगा। दिस विल बी ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, जिसको फॉलो करना है करे, जिसको नहीं फॉलो करना ना करे। हमारा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर भी बहुत क्लियरली कह रहा है कि यहां से जो भी स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ कल हमारा जो स्टॉप लॉस था, कल जो ब्रेकआउट था 772 का था, जो आज फर्स्ट स्टॉप लॉस हमारा बनेगा। अब फर्दर ब्रेकआउट जो है 881 से ऊपर ही आएगा, जो ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग करना चाहेंगे, और अगर 881 से ऊपर मार्केट चलती है 990, 12,100, 12,210 ये टारगेट्स होंगे। और यहां पे इंट्राडे के लिए जो काम करना चाहते हैं उनको 825 से ऊपर में ही बाइंग करनी है। 11,825 से ऊपर चलेगा बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा T3 होता है 11,880 के आसपास में, इसको बुक करने की कोशिश करेंगे। यहां प्रॉफिट बुक कीजिएगा वापस से T1 T2 के आसपास, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, मिल सकता है आपको 831 के आसपास, 850 के आसपास दोबारा बाइंग मिल सकती है, वहां बाइंग कीजिएगा। अगर T3 को क्रॉस करता है तो T2 के स्टॉप लॉस को रखते हुए प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए, और T5 पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आइएगा 11,928। ये इंट्राडे के लिए मैक्सिमम टारगेट होगा। और किसी सूरत हालात में अगर बाजार में बाइंग आ जाती है, जैसे FIs ने आज भी 250 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, अगर वो कल भी बाइंग करते हैं बाजार को चला देते हैं, तो यहां से फिर वो T8 के लिए निकल जाएगा, 12,000 के एक लेवल को टच करने के लिए निकल जाएगा। बट हर सूरत हालात में 11,772 will be the deadly stop loss। दोस्तों, ये वो जोन है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो बाजार अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। तो जिसको भी बाइंग करनी है 772 के हिसाब से बाय करें। ये रहा आज का निफ्टी एनालिसिस कल की 4 नवंबर के लिए। दोस्तों, ये लेवल एनालिसिस मेरी अपनी स्टडी है, मेरा अपना टूल है जिसको मैं फॉलो करता हूं। तो अपनी लेवल एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लें, दिए गए लेवल्स पे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।